Good morning class 2 and welcome to online studies. As you all know that yesterday we have completed chapter 4 and now we will start the next chapter, that is chapter number 5, and that is number up to 999. It means 999. How do we read this number 999? We will discuss about this only, okay, in this chapter. Okay, here we will discuss place value, face value of the number, okay, how we write 100, how we write tens, how we write ones, all this we will discuss in this chapter. So let's start. Okay, here is box I have drawn for you. यहाँ पे देखिए छोटे छोटे इसमें कॉलम्स बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, 10. जब इसको टोटल हम फ्रॉम हेयर टू हेयर हम यहाँ काउंट करेंगे, फ्रॉम 1 to इसमें है आपको 100 कॉलम्स, है ना, 100 नंबर तक इसमें बॉक्सेस मिलेंगे. तो टोटल ये किसके इक्वल होता है, 100 के, है ना. अगर एक बॉक्स अगर आपको ऐसा दिखेगा तो आप इसको क्या बोलोगे, 100. लेकिन अगर इसी टाइप का अगर आपको दो बॉक्स मिलेगा, अगर ये दो रहेगा तो आप उसको कितना लिखोगे, 200, ठीक है, 3 रहेंगे तो 300. मीन्स जितने ये बॉक्स मिलेंगे आपको, है ना, जितने इस बॉक्स के नंबर ऑफ शेप डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, आपके 100 उतने क्या होंगे, इंक्रीज होंगे. चलिए हम नेक्स्ट ये देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसमें टोटल कितने बने, 10. इसलिए ये वन बॉक्स कितने के इक्वल है, 10. लेकिन अगर इसी में हमने इसको ड्रॉ कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, है ना. अगर एक और इसमें आप ड्रॉ, मतलब ये भी जितना इंक्रीज करते जाएंगे उतने 10 आपके क्या होंगे, इंक्रीज. ये देखिए वन का केवल अगर ये सिंगल वन है तो कितना हो जाएगा, 1. लेकिन देखिए 1 कितना हो गया टोटल, 3 कितना हो जाएगा, 3 वन्स, है ना, कितना हो जाएगा, 3 1. तो ठीक है, तो इन्हीं के बेस पे आपको क्या करना है, नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. जैसे अब आपको देखना है, देखिए 100 लिखना है, देखिए प्लेस वैल्यूज होती है 1, 10, 100, देखिए, है ना, 999, देखिए 100 ये क्या होता है, 1, ये 10 और ये 100, ठीक है. इसको हम लिखते हैं 1, ये 10 और ये 100, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग करके लिख देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा. 100, 10 and 1, ठीक है. अब जैसे ये 100 था मान लीजिए, ठीक है, 300 है ना, तो 300 है, 100 कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, बाकी 10 और 0 में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है. लेकिन अगर ये हमको दिया रहता 123, है ना, 100 कितना है, देखिए 100 इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1, 10, 100, है ना, 1, 10, 100, देखिए 123, ठीक है. अब इसको अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए 100 है ना, तो 100 यहाँ पे है, यहाँ कितना 100 है, 100 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे. उसके बाद 10 कितना है, 20 है ना, देखिए 20 में कितना 10 है, 10 प्लस 10 20 होता है ना, ये कितना 10 हो गया, 210. तो यहाँ क्या लिखेंगे, 210. इसके बाद कितना वन से, 3 वन से ना, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना वन हो गया, 3 वन हो गया, तो हम कितना लिख देंगे, 3. तो ये हमने इसको क्या, प्लेस वैल्यू टेबल में लिख दिया. ये ना, ये इसकी क्या है, प्लेस वैल्यूज, है ना, ठीक है. और देखिए 10 में अगर इसे लिखना हो, मान लीजिए आपको दिया है 20 दिया, इसको हम प्लेस वैल्यू में कैसे लिखेंगे, देखिए 10 और ये 1, है ना, 10 ही दिया है, कितना 10 है, 20 है, तो 2 और ये 0, 0, 1, 0, 1 से लिखेंगे. अगर ये होता मान लीजिए 25 होता तो आप क्या करते, 25 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 10 प्लस 10 प्लस 5, है ना, 210 है, तो देखिए 210 हो गया, 5 वन है, ठीक है. सो लाइक दिस यू हैव टू राइट इट इन योर टेबल्स. प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो हम टेक डिस्कस करें आगे. नाउ देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा इस ये क्वेश्चन में, मान लीजिए, ठीक है,
आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नंबर फॉर्म बाय दिस ब्लॉक्स, ठीक है, यानी इन ब्लॉक्स के द्वारा कौन सा नंबर फॉर्म होता है, आपको आइडेंटिफाई करना है। हाउ यू विल आइडेंटिफाई, देखिए यहाँ 100 के कितने बॉक्स दिख रहे हैं, देखिए 1, 2, 3 है ना, कितने बॉक्स दिख रहे हैं, 100 इंडिकेट करता है, यानी 300 के बॉक्स दिख रहे हैं, आप इसको ऐसे लिखेंगे। प्लस 10 के बॉक्स कितने हैं, 2 है, 2 ब्लॉक्स है, यानी 2, 10, ये 1 के ब्लॉक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 बॉक्स। तो आप ये कितना नंबर कितना लिखोगे आप, 327, 110, 100, ठीक है, आप इसको ऐसे लिखोगे। ये क्या नंबर फॉर्म कर रहा है, 327। देखिए 100 के कितने ब्लॉक्स थे, 1, 2, 3, ठीक है, इसी 10 के कितने ब्लॉक्स है, 1, 2, 1 से कितने ब्लॉक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये 1 है, 70 मत पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो कितना है ये, 7 1 2 10 3 100, तो टोटल नंबर ये क्या फॉर्म कर रहा है, देखिए ब्लॉक से हमने नंबर फॉर्म कर दिया है ना, अगर ये इंट मान लीजिए दिया होता, ये जो 100 है कितना दिया होता, मान लीजिए एक और ये बढ़ गया होता, ठीक है, तो कितना 100 हो जाता, 4, तो जो नया नंबर फॉर्म होता ये 4 होता, मान लीजिए इसमें हो गया, इसमें 2 कम हो गया होता, ठीक है। अब हम पूछते हैं आपसे कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, देखिए 3 + 1 400 हो जाता है, ये 400 कितना 10 है, 310 हो जाता, और कितने वंस हैं, 5 1, यानी जो आपका नंबर फॉर्म होता 435 है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या फॉर्म करने हैं, नंबर्स फॉर्म करने हैं, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक सेंटेंस मिल दिया, इसमें से आपको क्या करना होगा, नंबर्स को लिखना है, जैसे दिया 536, 500 की बात कर रहे हैं ना, तो आप इसको लिख दीजिए 500, कितना कह रहा है, 36, 30 मतलब 310 की बात कर रहा है, 6 यानी 6 वंस की बात कर रहा है, इसको आप टेबल्स में लिखेंगे, 110 वंस, कितना 100 है, 500 कितना है, 30, 10 है, 3 वंस कितना है, 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 36 है ना, ये नंबर फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया, 500, 6, 10 and 9, 1, देखिए 500 यानी 500, ठीक है, प्लस 6 10s यानी कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 9 1 यानी प्लस 9, और ये 500 इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कितना 500, जब इसको आप फाइनल ऐड करके कितना आ जाएगा, 569 है ना, तो ये आपका क्या मिलेगा, फाइनल आंसर, ठीक है। सो लाइक दिस यू हैव टू फॉर्म दिस नंबर्स एंड जस्ट कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1 फॉर टुडे, नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है, थैंक यू।